हल्काबुआ में पड़ते गांव चक्राल के लोगों ने आज जम्मू कश्मीर व जिला पठानकोट प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। गांव से रेत बजरी के ओवरलोड ट्रक गुजरने के चलते किया गया यह प्रदर्शन। गांव के सरपंच व मदनलाल व अन्य गांववासियों ने बताया कि सरहदी क्षेत्र होने की वजह से यहां से कई रेत बजरी के ट्रक अवैध रूप से इस रास्ते से गुजरते हैं, जिससे हर वक्त हादसे का डर बना रहता है। गांववासियों ने कहा कि आज भी एक ट्रक बीच रास्ते में पलट गया, जिससे इस रोड से लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया है और रोड भी टूट गया है। गांववासियों ने कहा कि इस संबंध में कई बार जम्मू कश्मीर प्रशासन व जिला पठानकोट प्रशासन को बता चुके हैं, पर कोई भी इसका हल नहीं निकाल रहा है। गांववासियों ने कहा कि अगर अब भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वे लोग धरना प्रदर्शन और उग्र करेंगे। हाँ जी सरपंच साहब, जरा रोश कर रहे हो तुम कटराला पलटे इतने रेते का, कहना चाहते हो सरपंच सर? ये संबंध से यही चाहते हैं कि जोड़ा ये गुंडागर्दी राज चलिया नहीं चलना चाहिए। ये लिंक रोड ने, छोटे रोड ने, सिर्फ पिंड वास्ते है, शमशान घाट तक सारा रोड है। इस तो अगे रोड ही नहीं है। चलो दो चार पिंड ने उन्हों की फैसिलिटी वास्ते असी सगो शमशान घाट के पिछों रोड कटिया से कि चलो इन लोगों को फायदा हो सके। पर जड़े अपने है माइनिंग माफिया लोग ये इस रोड का गलत यूज करते पे ने, यह नहीं होना चाहिए। असी तो किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि भी साढ़ा किसी के रोस नहीं, साढ़ा उस बंद रोस होएगा जिहड़ा बंदा साढ़े रोड का नुकसान करेगा। ये रेता बेरी जिन्ना भी सारे सारा अपने जे एंड के चो आ रहा, ये गैर कानूनी आ रहा, अपने ओवरलोडिंग हो रही है ना। तो इन्हों को चैक किया जाए जी गड्डी पलटी है, इन्हों पुछया जाए भी इन कोई रियाल्टी की पर्ची हैगी, कोई बिल हैगा, कुछ नहीं है। दो नंबर चाहिए है प्रशासन जे एंड के का, तो मेरा ख्याल है भी कुंभ गंदी नींद सुता होना है, उन्होंने कोई उठा सकता नहीं, तो इस करके नजायज हो रहा सारे काम। साड़ी मंग यही है भी अपने इन्हें जोड़ा भी गैर कानूनी काम करते हैं इन्हों कार्रवाई होए, ता कि कल दोबारा कोई इदा का काम ना करे। हाँ जी भाई, की नाम है अपना? मेरा नाम सचिन शर्मा है। की कहना चाहते हो जी? सर बेसिकली साडा रोष इस गल्ले है कि जिहड़े ट्रक चल रहे हैं ये इलीगल चले करते हैं। असी डीसी साहब को कठुआ मिले ही तो उन्होंने कहा ही एक आर्डर कढ़िया सी कि किलो भर जिहड़ा माल है वो जैंड के तो पंजाब नहीं जा सकता। पर दिक्कत यह है कि शरेआम दो महीने तो सारा जिन्ना भी माल है वो जैंड के तो पंजाब आया करता है। वह भी सानू समझ नहीं आया करती कि एडमिनिस्ट्रेशन सुते द, असी चाहते हैं कि इनक्वायरी की जाए और नाल ही नाल ये भी देखा जाए कि जेडे भी चोर रस्ते हैं सारे जगह पुलिस का जाते पैरा रखा जाए या नाके लाए जाए ता कि जरा जैन के तो माल है पंजाब नहीं आन, तो कि पंजाब के बंदे सफर नहीं होन, साढ़े वर्गे माड़े बंदे सफर नहीं होन। असी मीडिया के थ्रू सारे इो कहने एडमिनिस्ट्रेशन हाथ जोड़ के इो बिनती करने कि साढ़े गलबात सुनवाई की जाए। नाल ही देख लो जनाब जिंदे जे खेत हैं तो इनका नुकसान है, तो नुकसान कौन भरेगा? ये जनाब इतने खड़ोते हैं, इनका भी वाइट लेके देखो। तुम परसों भी डकिया गया सीगा ट्रकों नू, खबर भी चली सी प्रशासन वालों आश्वासन दिता गया सके हुण जिहड़े ट्रक ने इदां अवैध रूप से नहीं निकलने। सर देखो आर्डर तो निकलते रहते हैं, आर्डर जिले भी असं जाने अगर डीसी कठुआ को जाने तो वो आर्डर कर देंगे कि जैन के चू पंजाब कोई माल नहीं जाएगा। पर दिक्कत यह है कि जो कोई लोकल बंदे सानू नहीं पता कौन है कौन नहीं है, बट उस ये सारा मिले के एक माफिया चलाया करते हैं और सारा जिन्ना भी जैन के तो माल है वो पंजाब प्रोवाइड कराया करते हैं। असं चाहते हैं कि देखो अगर सरकार अलाउ करती है वो बेशक लै जा सकते हैं, रोड बनती है रोड के थ्रू जान, ये लिंक रोड जेड़े ना जेड़े निजी काम वास्ते अस यूज करे करते हैं, इन्होंने नहीं तोड़। मामून रोड पठानकोट, कॉन्टैक्ट अस ऑन 9540066113।